डियर स्टूडेंट्स, आज के भारतीय अर्थव्यवस्था के इस क्लास में हम लोग एक विषय जिसका नाम हरित क्रांति है उसको पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी ही महत्वपूर्ण विषय है ये, क्योंकि मुख्य परीक्षा और बस प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारे इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऐसे हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं और मुख्य परीक्षा में भी इकाई के रूप में, एक यूनिट के रूप में जीएस के चैप्टर्स में, जीएस के पेपर में इससे संबंधित प्रश्न आता है। हम जो इस क्लास को करने जा रहे हैं उसमें पढ़ने या पढ़ाने का तरीका हम लोग का ये है कि हम लोग वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ दोनों पक्षों को दृष्टिगत रख करके इस क्लास में पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये रेगुलेशंस है क्या। तो हरित क्रांति का जहां तक प्रश्न है, ग्रीन रेगुलेशंस का जहां तक प्रश्न है, एक बात में आप कह सकते हैं कि कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का पराक्रम, ठीक है, और कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के पराक्रम के लिए जो उत्तरदायी कारक है, जो अकाउंटेबल काउज है, वो बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है, और कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का प्रक्रम दो स्तरों पर हुआ। एक स्तर मैक्सिको में देखने को मिला, और दूसरा भारत, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं, एक छोटी सी बात कि आखिर हरित क्रांति ग्रीन रेगुलेशंस है क्या। तो ग्रीन रेगुलेशन से कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने का एक प्रयास है, एक प्रक्रम। यानी कृषि के क्षेत्र में जब हमने उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया और उस प्रयास से जब उत्पादन बढ़ने लगा कृषि के क्षेत्र में, तो इसी परिवर्तन को हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। क्रांति शब्द वास्तव में खून खराबे का नाम नहीं है। आमतौर पर क्रांति शब्द आपके मस्तिष्क में आएगा तो एक तस्वीर उभर आएगी कि खून बहा होगा, लोग मरे होंगे, तो ये परिभाषा क्रांति की गलत है। वास्तविकता ये है कि क्रांति का अर्थ जो होता है परिवर्तन के होता है, चेंजिंग के होता है। अगर किसी भी क्षेत्र में चेंजिंग हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है और व्यापक परिवर्तन हो रहा है, तो आप कह देते हैं कि वहाँ क्रांति हो रही है। जैसे उदाहरण के लिए कि पहले आप बहुत ख़राब ढंग से रहा करते थे, लेकिन एक बैग आप अच्छे अच्छे कपड़े, जूते और स्टाइलिश चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो आपका मित्र कह देता है कि अरे तुम्हारे जीवन में तो क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया।
तो क्या आपके शरीर से खून वून निकलने लगा था कि क्रांतिकारी परिवर्तन बोल दिया? ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसका अर्थ हुआ कि परिवर्तन को ही क्रांति कहते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, क्या परिवर्तन हुआ भाई? तो पहले जितना उत्पादन होता था, अब किसी प्रयत्न से या परक्रम से या प्रयास से अधिक उत्पादन होने लगा। अब चूंकि कृषि के जितने उत्पादन होते हैं वो आमतौर पे हरे होते हैं, तो इस कारण से जो परिवर्तन हुआ उसको हरित क्रांति कहा गया, ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके प्रोडक्ट के रंग के आधार, क्लियर? ये सभी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए हम सबको लेते हुए चल रहे हैं कि व्याख्यात्मक रूप से भी आप लिखेंगे तो अच्छा दिखाई पड़ेगा आपका आंसर, और वस्तुनिष्ठ में से भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हरित क्रांति शब्द को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, सिस्टम से बातों करते जाइए, आपको सारा याद होता चला जाएगा और लेखनी कला भी अच्छी विकसित होगी। अब ठीक है भाई, हमने हरित क्रांति को समझ लिया, तो अब अगला प्रश्न ये आता है कि आखिर इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन था, अकाउंटेबल फैक्टर क्या था? तो अकाउंटेबल फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक था, और वो क्या था? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या। अब इस लाइन को एक्सप्लेन इस ढंग से किया जा सकता है कि जो धरती होती है, ये जो पृथ्वी है या मिट्टी है, इसके पास प्राकृतिक रूप से अन्न उत्पन्न करने की क्षमता है, नेचुरली है, लेकिन वो क्षमता की एक सीमा है। तो जब से दुनिया बनी और 20वीं शताब्दी तक स्थिति ये रही कि जितना जनसंख्या इस पर रह रही थी उतना उस अनुपात में पृथ्वी उत्पादन कर रहा था, इसलिए उत्पादकता बढ़ाने की कोई अनिवार्यता और आवश्यकता ही नहीं। लेकिन आप गौर से 20वीं शताब्दी का डेमोग्राफिक वर्ल्ड वाइड देखिएगा, वैश्विक स्तर पर तो सभी देशों में जनसंख्या की वृद्धि, और सभी देश जनसंख्या विस्फोट के शिकार हुए। तो ऐसी परिस्थिति में बढ़ी हुई जो जनसंख्या थी उसके लिए खाद्यान्न की आवश्यकता तो थी, अगर खाद्यान्न की आवश्यकता नहीं होती तो फिर क्या होता कि भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती। तो ऐसी परिस्थिति में अब अधिक खाद्यान्न या फूड ग्रेन उत्पन्न करना एक अनिवार्यता हो गया, आवश्यकता हो गया। बिना इसके संसार को या संसार में रह रहे मानव को आप नहीं बचा सकते। तो वैज्ञानिकों ने प्रयत्न करना शुरू किया कि अब कृषि के उस क्षमता का, जिस क्षमता तक वो उत्पादन कर रहा है उस क्षमता में कैसे वृद्धि किया, ठीक है? तो उस क्षमता में वृद्धि के लिए सबसे पहले जो प्रयास किया गया वो मैक्सिको में, वैश्विक स्तर, ठीक है? मैक्सिको में क्यों प्रयास किया गया कि मैक्सिको जो है वो 1950 के दशक में भूखमरी की स्थिति में पहुंच चुका, ठीक है, की स्थिति में पहुंच चुका। और इसका समाधान किसने किया? तो इसके समाधान के लिए एक संस्था उत्तरदायी था जिसका नाम था रॉकफेलर फाउंडेशन। क्या नाम था? रॉकफेलर फाउंडेशन। इसी रॉकफेलर फाउंडेशन के एक विशेषज्ञ थे, यानी स्पेशलिस्ट या साइंटिस्ट कह लीजिए,
जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम था? नॉर्मन बोरलॉग। अब ये एक्चुअली में नॉर्मन बोरलॉग अमेरिकी थे, यानी नागरिक कहां के थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के। और नॉर्मन बोरलॉग के ही प्रयास से, इनके प्रयास से क्या हुआ? तो इन्होंने जो प्रयास किया वो उन्नत बीज प्लस उर्वरक यानी फर्टिलाइजर और प्लस मशीन और प्लस कीटनाशक, और इस प्रयास से जो मैक्सिको था वो खाद्यान्न संकट से उभर गया। ठीक है, तो जो बढ़ती हुई जनसंख्या थी उस बढ़ती हुई जनसंख्या में सबसे पहला प्रयास जो किया गया वो कहां? मैक्सिको में। तो बढ़ रही, जब हमने कहा कि 20वीं शताब्दी में समस्या उत्पन्न हुई, तो 50 के दशक में मैक्सिको आप जान रहे हैं कि मध्य अमरीकी देश है, संयुक्त राज्य अमरीका के ठीक नीचे उसकी अवस्थिति है ना, लैटिन अमरीकी देश के अंतर्गत भी आता है, मध्य अमरीकी देश के अंतर्गत भी आता है, लैटिन अमरीकी देश के अंतर्गत भी आता है। इस शब्दावली की व्याख्या ज्योग्राफी के क्लास में हम पूर्व में कर चुके हैं, इसलिए विषयांतर होना उचित नहीं होगा, वो आप समझते हैं उस बात को। तो वैश्विक स्तर पे सबसे पहला देश जो भुखमरी का शिकार हुआ वो मैक्सिको 50 के दशक में। और जब ये हुआ तो इसका समाधान के लिए रॉकफेलर फाउंडेशन था, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कृषि के विकास के लिए रॉकफेलर फाउंडेशन था, उसी के एक वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग। इसमें देखिए प्रश्न आता है कि अब इतना बार नॉर्मन बोरलॉग को आप पढ़े हैं और मैक्सिको के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ है, कि अगर आप नहीं जानते हों और पूछ देगा कि किस देश के नागरिक हैं तो आप डायरेक्ट मार दीजिएगा कहाँ के? मैक्सिको के, क्योंकि बहुत दिनों से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर रुक करके अपने दिमाग में इस बात को बैठाना है आपको कि इनका कर्म भूमि तो मैक्सिको था लेकिन जन्म भूमि मैक्सिको नहीं था, ये सिटीजन संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, काम किया इन्होंने मैक्सिको में, तो ये बात हमेशा के लिए याद रहेगी। तो नॉर्मन बोरलॉग जो अमरीकी नागरिक थे उनके प्रयास से क्या प्रयास किया उन्होंने, आखिर वहाँ उत्पादकता कैसे बढ़ाई? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि इन्होंने एक बीज का नया रूप उत्पन्न किया, गेहूं के बीज का, जो हाई ईडिंग वैरायटी सीड कहलाया, HYVS, और इसका था कि ये गुणवत्ता में ये पूर्व के बीज से अधिक गुना उत्पादन करने की क्षमता रखता था। अब जैसे ही इस बीज का इस्तेमाल हुआ तो अन्य समस्या आई कि ये बीज के लिए उर्वरक अनिवार्य था, क्योंकि जो भूमि थी उसकी फर्टिलिटी की एक सीमा थी, तो उर्वरकों का प्रयोग किया। उर्वरक के बारे में पूर्व के क्लास में ही बता चुके हैं कि उर्वरक शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब रासायनिक खाद से आप लीजिए इसको, प्राकृतिक खाद से नहीं। उसके बाद मशीनों का इस्तेमाल किया जाना अनिवार्य था ताकि एक व्यवस्था के तहत फसल को बोया जाए, बढ़ाया जाए और काटा जाए। साथ ही साथ कीट पतंगों का भी फसल पे प्रभाव पड़ता है, तो कीटनाशकों का भी प्रयोग किया।
तो चार चीजों का प्रयोग किया। मुख तो उन्नत बीज ही था, लेकिन उन्नत बीज के साथ साथ उर्वरक, मशीन और कीटनाशक भी सहायक उपक्रम के रूप में हरित क्रांति में मैक्सिको में प्रयोग किए गए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि मैक्सिको खाद्य संकट से उभर गया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भारत में, ठीक है ना, तो भारत में आपको जो अध्ययन करना है, जी हाँ ठीक है, लेकिन उस ढंग से तो आपको शुरू से बोले कि मतलब पीटी और मेंस दोनों को दृष्टिगत रख के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसी ढंग से हम एक्सप्लेन करेंगे। बीच बीच में इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको मिल गया, एक सीक्वेंस में सब्जेक्टिव भी आप लिखने के लायक हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से तो इसको भारत में जो आप पढ़ेंगे कि भारत में जो हरित क्रांति हुआ, ठीक है, भारत में जो हरित क्रांति हुआ, हरित क्रांति 1965-66 में हुआ, ठीक है। हरित क्रांति का अगर भारत में सन आप पूछिएगा कब, 65-66, लेकिन इसके पूर्व, हरित क्रांति के पूर्व ही उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास किए गए थे, ठीक है ना, उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास हुआ है। और ये प्रयास किस रूप में हुआ था तो उसको देखा जाए तो ये प्रयास जो हुआ था सबसे पहले वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में फोर्ड फाउंडेशन इसको अगर डेट आप कीजिएगा तो डेट एक लिख लीजिए 1958 में फोर्ड फाउंडेशन ने जांच की। उसके बाद दूसरा घटनाक्रम जो होता है वो ये कि उन्हें 1960 में गहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, 60 में गहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम इसका इंग्लिश होगा इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत, इस प्रोग्राम के तहत कुल 7 जिला चुना गया। कितना जिला? 7 जिला को चुना गया। ये 7 जिला कौन कौन थे वो देखिए। पहला जिला जो था वो था पश्चिमी गोदावरी। ये कहां था तो आंध्र प्रदेश। उसके बाद दूसरा जिला जो चुना गया वो शाहाबाद। ये कहां है? शाहाबाद बिहार में, जो सासाराम का इलाका है
उसको कहा जाता है। तीसरा है था रायपुर, ये छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उसके बाद था तंजावुर, तमिलनाडु, वेरी गुड, ये है तमिलनाडु। और इसके बाद अगला जो जिला था वो था लुधियाना, लुधियाना कहाँ है तो पंजाब। और उसके बाद क्या था, अलीगढ़, यानी उत्तर प्रदेश। और उसके बाद क्या था तो पाली, ये कहां तो राजस्थान। अब देखिए इनमें से जो प्रथम चार था यानी पश्चिमी गोदावरी, शाहबाद, रायपुर और तंजावुर, ये चावल के लिए था। किसके लिए? चावल, चावल। और उसके बाद लुधियाना और अलीगढ़, ये जो दोनों था ये किसके लिए था तो गेहूं के लिए। और पाली जो था वो ज्वार बाजरा के लिए, ज्वार बाजरा। उसके बाद देखिए तो 1965 में, कब 1965 में क्या हुआ कि इस प्रोग्राम को यानी आईएडीपी को परिवर्तित कर, यानी इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया 65 में, और नया नाम जोड़ा गया गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। यानी इसका इंग्लिश अगर देखा जाए तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, है ना, एरिया प्रोग्राम। ये सब मान लीजिए देखते जाइए, इसका एब्रिविएशन क्या हो जाएगा, आईएएपी, यानी आईएडीपी किस में कन्वर्ट कर गया, आईएएपी, यानी 65 में ये परिवर्तन हुआ। और इसे 114 जिलों में लागू किया गया, इसे कितना, 114 जिलों में लागू किया, लागू किया, ठीक है। अब देखिए कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्रता के बाद से ही खाद्यान्न संकट यहाँ पाया जाता था, यानी जो 36 करोड़ की जनसंख्या थी उस 36 करोड़ की जनसंख्या के लैग भी यहाँ उत्पादन नहीं हो रहा था, यानी कृषि उत्पादन में हम आत्मनिर्भर नहीं थे। तो अमेरिका से 480 नामक समझौता हम लोगों ने किया था और वहाँ से अनाज का आयात होता था, लेकिन जब 60 का दशक आया तो वो जो 36 करोड़ की जनसंख्या थी वो बढ़ कर करके 45 करोड़ पहुंच गई। अब संकट तो पहले ही था खाद्यान्न का, ऐसी परिस्थिति में जो था कि अब
पानी सर से ऊपर बहने लगा। यानी अब जितने मात्रा में खाद्यान्न की आवश्यकता थी उतना कोई देश मदद नहीं कर सकता। हालांकि आप गौर से देखिए कि सरकार अपने खाद्यान्न समस्या के समाधान के लिए शुरू से ही प्रयत्नशील थी। और शुरू से कैसे प्रयत्नशील थी, तो सबसे पहले 1958 में फोर्ड फाउंडेशन को यह जिम्मा सौंपा गया कि आप फोर्ड फाउंडेशन अमेरिका का एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है, जैसे यहाँ आपको मैक्सिको में रॉक फिलर फाउंडेशन था, ठीक उसी प्रकार का फोर्ड फाउंडेशन था कि आप जांच कीजिए कि आखिर भारत में कैसे उत्पादकता बढ़ाया जाए। तो फोर्ड फाउंडेशन ने 1959 में अपनी रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के आधार पर 1960 में ये प्रोग्राम गहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट था, ये जो था ना पायलट प्रोजेक्ट, उसको बोलते हैं कि जो देखने के लिए हो कि ये जो हम कर रहे हैं उससे उत्पादकता बढ़ रही है कि नहीं। तो इसलिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 7 जिला भारत का चुना गया, जिसमें से पश्चिमी गोदावरी, शाहबाद, रायपुर और तंजावुर में चावल का एक्सपेरिमेंट किया गया। उसके बाद लुधियाना और अलीगढ़ में गेहूं का एक्सपेरिमेंट किया गया, और राजस्थान के पाली में ज्वार बाजरा का एक्सपेरिमेंट किया गया। जब ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया कि हाँ उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये सब प्रयास किया जाए तो उत्पादकता बढ़ सकता है, तब इस प्रोग्राम का नाम यानी इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का नाम चेंज करके 1965 में इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम यानी गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया, और उसके बाद 114 जिलों में भारत के इसको लागू कर दिया गया। लेकिन इससे भी खाद्यान्न समस्या का हल नहीं हो रहा। तब क्या किया गया कि उपर्युक्त प्रयास के बावजूद भी उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो रही, अब समाधान क्या हुआ? तो समाधान ये हुआ कि डॉक्टर स्वामीनाथन, वहां कौन थे? स्वामीनाथन के प्रयास से यहां हाई ईडिंग वैरायटी सीड और फर्टिलाइजर और इरिगेशन और मशीन्स और पेस्टिसाइड इनका प्रयोग कर करके उत्पादकता को बढ़ाया गया। और ये प्रयास कब किया गया? तो 1965 to 66। और परिणाम क्या हुआ कि ग्रेजुअली धीरे धीरे हर वर्ष उत्पादकता में वृद्धि होती चली। आरंभ में इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दक्षिण के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था, लेकिन धीरे धीरे जो डॉक्टर स्वामीनाथन के प्रयास थे वो भारत के अन्य दूसरे क्षेत्रों में होने लगा। और आंकड़ा ये बताता है कि भारत खाद्यान्नों के मामला में इस कारण से आत्मनिर्भर हो गया।
तो ये एक प्रकार से आपको जो हमने बताया ये परिभाषित क्लास है। अब इसके बहुत सारे डेटा है जो आपके बुक्स में है, जो आपको बुक्स हमने प्रेस्क्राइब किया है, तो उसमें चावल में किस ढंग से उत्पादन हुआ, गेहूं में किस ढंग से उत्पादन हुआ, ज्वार बाजरा में किस ढंग से उत्पादन कम हुआ, तिलहन में इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दलहनी फसल इससे लाभान्वित नहीं हुआ, आलू का फसल गैर खाद्यान्न फसलों में सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुआ। तो ये सब टॉपिक जो है ना ऑब्जेक्टिवली आप बुक से पढ़ लेंगे, क्योंकि क्लास में हमने परिभाषित रूप से हरित क्रांति को स्पष्ट किया, जो मूल बिंदु था वो आप जान गए। आंकड़ों के लिए अलग क्लास लेना पड़ता तो वो जो आंकड़े बुक में अवेलेबल हैं वही हम पढ़ाते, तो उससे आप बोर हो जाएंगे। तो इससे बेहतर ये है कि आंकड़ा का अध्ययन आप अपने पुस्तक से, इकोनॉमिक्स के पुस्तक से खुद करें। हम समझते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन आप अच्छे ढंग से समझ पाए। अगले क्लास में फिर हम किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।